आप देख सकते हो इधर पूरी छत है बिल्कुल वाइट हो चुकी है, और इधर आज तो मतलब यात्रियों के फुल फुल भप के आ गए। तो आप देख सकते हो जोशीमठ में कुछ इस तरह बर्फ पड़ रही है, रोड में बिल्कुल बर्फ जम चुकी है। ये देख लो अभी बर्फ पड़े हुए कम से कम 10-15-20 मिनट हो रहे होंगे। इन 15-20 मिनट में आप देख लो कितनी बर्फ पड़ी है। और आज तो मतलब लगभग मार्केट भी बंद ही है क्योंकि ठंड आज इतनी बढ़ चुकी है बर्फ़ की वजह से। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे किस तरह का मौसम हो रखा जोशीमठ में। तो यहाँ पे आप देख लो लोग ठंड से बचने के लिए आग आग जला रहे थे, आग ग्रुप में आग को सेक रहे हैं। ये देखो जोशीमठ का नज़ारा बर्फ़ पड़ने के बाद कुछ इस तरीके से बदल गया जोशीमठ। जोशीमठ बर्फ़ में कुछ इस तरह तब्दील हो चुका है। आप देख लो कोई घर नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख लो और मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है नीचे से। ये देखो पूरा जोशीमठ पूरा वाइट हो चुका है। अब अगर जोशीमठ की हाल है तो ओली में किस तरीके से होंगे। ओली में तो और ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी होगी, वहाँ लगभग 2-3 फीट तो बर्फ़ पड़ चुकी है अगर जिस तरीके से इधर ऐसी बर्फ़ पड़ी है। ये देखो मैं खुद को दिखाता हूँ, मैं ऐसे बंद हो चुका हूँ पूरा। ये देखो मैं पूरा ढक चुका हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है। ये देखो गाड़ी वाले आज सभी लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी फिसल रही है इस बर्फ़ में, तो लोग पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। ये देखो तो दोस्तों ये था जो थोड़ा बहुत नज़ारे आपको दिखाना चाहा मैंने, मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए। तो जोशीमठ में ये बर्फ़ कम से कम 3-4 साल बाद पड़ी, ऐसी बर्फ़ जो मेन जोशीमठ में बर्फ़ पड़ी। तो दोस्तों ये देख लो ये स्कूटी के हाल देखो, ये गाड़ियों के हाल देखो, पूरी ढक चुकी है। तो दोस्तों आप देख लो